फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक बहुत इजी सिंपल सा सब्जेक्ट है, इसे आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जिन लोगों ने मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से सीख लिया है, प्लीज वो भी एक मिनट इस वीडियो को एक बार प्लीज देख लिएगा, क्योंकि उनका भी अच्छे से रिविजन हो जाएगा। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी एडिशन, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है मल्टीपल डिजिट एडिशन। इसका मतलब होता है बहुत सारे टाइप्स के एडिशन करना। तो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया है 257 + 264। तो यहाँ पे प्लस का साइन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या फिर जो भी हम कर रहे हैं उसका साइन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे, इसको नहीं बनाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो चलिए अब इसका आंसर निकालते हैं। तो हमेशा जब भी हम एडिशन करते हैं तो राइट साइड से करते हैं प्लस। तो अब मैं यहाँ पे 7 + 4 क्या होगा, 7 + 4 8, 9, 10, 11। यहाँ पे आंसर तो आ गया हमारा 11। आंसर आया हमारा 11। तो यहाँ पे राइट साइड का 1 हमने यहाँ लिख लिया, और लेफ्ट साइड का 1 यहाँ पे ऊपर कैरिंग में लिख लिया। इसका रीज़न भी बताती हूँ। जो हमारा राइट साइड का 1 है, उसको मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि जब हमारा आंसर 1 डिजिट में आता है तो मैं उसे यहाँ पूरा कंप्लीटली लिख लेते हैं, और जब हमारा आंसर 2 डिजिट में आता है तो हम राइट साइड वाला नंबर इधर लिखते हैं और लेफ्ट साइड वाला ऊपर कैरिंग में लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड वाला मैंने ऊपर कैरिंग में लिख लिया। तो अब 5 + 6 क्या होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसका आंसर भी हमारा 11 आया। तो यहाँ पे 1 के ऊपर कैरिंग में जितने भी नंबर होते हैं वो हम इसके आंसर में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 11। तो मैं यहाँ पे 11 + 1 = 12। तो यहाँ पे मैं 12 लिखती हूँ, इसका आंसर आया है 12। तो यहाँ 12 का 2 मैंने इधर लिख लिया, और राइट लेफ्ट साइड वाला 1 ऊपर कैरिंग में लिख लिया। अब 2 + 2 = 3, 4, 4 + 1 = 5। तो हमारा इसका टोटल आंसर आ गया 521। इजी सिंपल। तो यहाँ पे अब सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे नंबर ले लेती हूँ 25। तो यहाँ पे इधर भी प्लस का साइन बनाना मत भूलिएगा। फाइव प्लस सेवन कितने होंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आंसर आया 12। तो राइट साइड का 2 इधर लिख लिया, और लेफ्ट साइड का 1 मैंने ऊपर यहाँ पे कैरिंग में लिख लिया। तो अब इसके नीचे तो कोई डिजिट नहीं है, जैसे मैं इसको प्लस करूँ, तो अगर ये कैरिंग वाला नंबर ना हो तो मैं यहाँ डायरेक्टली 2 लिख लूँगी, और अगर ये है तो 2 + 1 = 3। तो यहाँ पे 3 मैंने यहाँ लिख लिया, तो हमारा इसका आंसर आ गया 32। ईजी सिंपल। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो बनाने के बाद मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएँ।
और अगर मेरी इस वीडियो बनाने के बाद भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या फिर कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जल्द से लिख दिए, ताकि मैं भी आपके डाउट्स को जल्द से क्लियर भी कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ जल्दी से जाके लिख दिए अगर आपको कोई डाउट हो। वैसे तो आई होप आपको कोई नहीं होगा, पर अगर हो तो प्लीज़ जल्दी से जाके लिख दिए। तब तक के लिए बाय बाय।